हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोग गाल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने गाल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी की, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ईआर में जिन प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग शुरू होती है, मतलब कि ऐसी प्रोटीन्स जो कि सिक्रीशन के लिए सिंथेसाइज होती हैं या फिर वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, वो सारी प्रोटीन्स ईआर से सिस गाल्गी नेटवर्क से होते हुए गाल्जी बॉडी में भेजी जाती हैं, ठीक है। और फिर गाल्जी बॉडी में उनका फर्दर मॉडिफिकेशन होता है, ठीक। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, ठीक है। आज हम लोग गाल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि जब प्रोटीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल करके गाल्जी बॉडी में पहुँचती हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा सा लिपिड के बारे में बात करेंगे कि वो सारे लिपिड्स जो ईआर की मेम्ब्रेन में सिंथेसाइज होती हैं वो जब गाल्जी बॉडी में पहुँचती हैं तब उनके साथ क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और इसके साथ ही हम लोग गाल्जी बॉडी के फंक्शन को पूरा पूरा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गाल्जी बॉडी के कुछ बेसिक फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। तो गाल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, इट इज़ द मेजर साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबोलिज्म। अभी आगे चल के डिटेल में इसकी बात करूंगा। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म का मतलब या तो उसका फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर उसका ब्रेकडाउन हो रहा हो, ये दोनों ही पोर्शन मेटाबॉलिज्म के अंदर में आते हैं, ठीक है। या तो फॉर्मेशन हो रहा हो या कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही हो, ठीक है। या हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक बोलें तो सिंथेसाइज, सिंथेसाइज होना, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन होना, और उसका ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन, ये दोनों ही चीज़ें मेटाबॉलिज्म में आती हैं, ठीक है। इसको हम लोग एनाबोलिज्म बोलते हैं और इसको हम लोग कैटाबोलिज्म बोलते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में बताऊंगा आगे चल के जब मैं आपको मेटाबोलिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। तो मेटाबोलिज्म में दोनों चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का जो मेटाबोलिज्म हो रहा है उसमें सिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। हमने मेटाबोलिज्म जरूर लिखा है लेकिन जो गाल्जी बॉडी होती है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की सिंथेसिस होती है, या आप कहें एनाबोलिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का ब्रेकडाउन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी सिंथेसिस होती है, ठीक। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा दिस इज द सॉर्टिंग एंड डिस्पैचिंग सेंटर ऑफ ईआर प्रोडक्ट, मतलब ईआर से जो भी प्रोडक्ट्स गाल्जी बॉडी में भेजे जाते हैं उनको ये अपने पास इकट्ठा करता है, ठीक है, उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करता है और इनको जगह जगह डिस्पैच करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे डिस्पैच करेगा जरा सा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि अगर कोई प्रोटीन या कोई लिपिड गाल्जी बॉडी तक आ गई है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के तो उसका क्या क्या हो सकता है। सपोज दैट ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, ये ईआर है, ठीक। इसने क्या किया, इसने एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसाइज हुई है, उसको इसने भेजा कहाँ पे, गाल्जी बॉडी में, ठीक है। सिस गाल्जी से होते हुए ये प्रोटीन आई, सबसे पहले सिस गाल्जी में इसका मॉडिफिकेशन हुआ होगा, फिर कुछ मॉडिफिकेशन इसका मीडियन गाल्जी में हुआ होगा, सब कुछ बताऊंगा आपको कहाँ पे क्या क्या होता है, मीडियन गाल्जी में हुआ होगा, ठीक है। और फिर मीडियन गाल्जी के बाद ये पहुंची होगी ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में पहुंची होगी, ठीक है, कहाँ पहुंची होगी, टीजीएन में पहुंची होगी, ठीक। अब ये प्रोटीन टीजीएन में पहुंची, अब टीजीएन से इस प्रोटीन की डिस्पैचिंग की जाएगी, ठीक है। डिस्पैचिंग कहाँ कहाँ की जाएगी, अगर इस सिक्रीशन के लिए प्रोटीन बनी है तो ये जाएंगी ईसीएम में, ईसीएम में जा सकती हैं, ठीक। दूसरा, अगर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाकर के इंटीग्रेट हो जाएंगी, ठीक। तीसरी, ये प्रोटीन लाइसोसोम में जा सकती है, लाइसोसोम। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोटीन इंडोसोम में है, इंडोसोम, जितने भी इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं उनके पास। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईसीएम तक इनकी डिस्पैचिंग कहां से की जाएगी, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से की जाएगी। तो ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स कर क्या रहा है, सारी प्रोटीन को अपने पास इकट्ठा किया और फिर जिसको जहां जाना है उनके सिग्नल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको वहां पे भेज रहा है, ठीक है। इसीलिए गाल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन्स को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजने का काम करता है। सारी प्रोटीन्स यहाँ पे आ गई, अब ये इनको भेजने का काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब प्रोटीन्स पहुँचती हैं गाल्गी नेटवर्क में, मतलब सिस गाल्गी नेटवर्क से सिस गाल्जी स्टैक में, फिर उसके बाद मीडियन गाल्गी में
और फिर ट्रांस गैलरी में पहुंचती हैं। तो वहां पे कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लूँ, फिर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक गाल्जी स्टैक बना के आपको दिखाने की कोशिश किया है। गाल्जी बॉडी में जब ईआर के प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं, मतलब जो प्रोटीन या फिर लिपिड्स जो पहुँचती हैं, उनके साथ क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आई ईआर में, और ईआर में उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जिसके दौरान वहाँ पे उसका एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन किया गया। ठीक है, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के साथ वहाँ पे क्या क्या जुड़ता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन सिस गाल्गी नेटवर्क से, कल मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रोडक्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी बॉडी में एंटर करेगा तो हमेशा सिस फेस की तरफ से एंटर करेगा। ठीक है, तो सिस गाल्जी नेटवर्क की तरफ से, देखिए सिस गाल्जी नेटवर्क मैंने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, सिस गाल्जी नेटवर्क में सबसे पहले प्रोडक्ट आएगा और वहां पे क्या होगा, फास्फोराइलेशन ऑफ द शुगर। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे भी हैं जहाँ की प्रोटीन्स में जहाँ की प्रोटीन्स जो होती हैं उनके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फास्फोराइलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लाइसोसोमल प्रोटीन्स की, तो लाइसोसोम में वही प्रोटीन्स पहुँचती हैं जिनका मैनोज फास्फोराइलेटेड होता है। मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो वो फास्फोरिलेशन की प्रोसेस हमेशा सिस गाल्जी नेटवर्क में होती है, याद रखिएगा। आपको जो मैनोज 6 फास्फेट बनता है लाइसोसोमल एंजाइम्स का, वो कहाँ बनता है, सिस गाल्जी नेटवर्क में बनता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स पहुंचती हैं कहाँ पे, सिस गाल्जी में। सिस गाल्जी में क्या होता है, रिमूवल ऑफ मैनोज। अब जो हमारा एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड आया हुआ है, एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जो आया हुआ है, उसमें से कुछ मैनोज रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे चल के कुछ शुगर्स ऐड की जाएंगी। ठीक है, तो जो मैनोज का जो रिमूवल होता है वो सिस गाल्जी में हो जाता है। उसके बाद फिर फर्दर मीडियल गाल्जी में पहुंचती है, जहां पे कुछ मैनोज का फिर से रिमूवल होता है और कुछ एन एसिटिल ग्लूकोसामीन वहां पे जोड़े जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक है, मीडियन गाल्जी से पहुंचती है ट्रांस गाल्जी में, जहां पे एडिशन ऑफ गैलेक्टोज सियालिक एसिड ऐसी शुगर्स वहां पे जुड़ती हैं, मतलब ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्दर जब ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में पहुंचती हैं प्रोटीन्स, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में, तो वहां पे क्या होता है, सल्फेशन होता है, टायरोसिन रेसिड्यू पर सल्फेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। और सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जो ईसीएम की प्रोटीन्स होती है वहां पे पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ईसीएम का पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे जो प्रोटीन्स होती हैं वो सल्फेटेड, वहां उनमें सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, उनके पास में सल्फेटेड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। एक बार ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से क्या होता है, प्रोटीन्स डिस्पैच कर दी जाती हैं। कहाँ कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन हो सकती हैं, लाइसोसोम की प्रोटीन हो सकती हैं। ठीक है, लाइसोसोम में भेजी जा सकती हैं, लाइसोसोम में भेजी जा सकती हैं, लाइसोसोम के अलावा इंडोसोम में जा सकती हैं, इंडोसोम और ईसीएम। ठीक है, तो ये चार डेस्टिनेशन होते हैं जहां पे प्रोटीन्स ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से भेजी जाती हैं। ठीक है, अब मैं एक एक चीज को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, प्रोटीन ईआर से गाल्जी बॉडी में आ गई। ठीक है, और एन लिंक ऑलिगोसैकेराइड जो उनसे जुड़े थे उनका मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम फिर से क्विक व्यू लेते हैं कि एन लिंक ऑलिगोसैकेराइड जब वहां पे जुड़े होंगे तो वहां पे क्या क्या चीजें जुड़ी होंगी। ठीक है, वहां पे प्रोटीन में जो ऑलिगोसैकेराइड था उनमें 3 तरह की शुगर्स जुड़ी हुई थी, मैंने आपको बताया था। उनके पास प्रोटीन के पास क्या था, प्रोटीन के पास 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामीन थे, ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन था। ठीक है, इसके अलावा 9 मैनोज थे। ठीक है, 9 मैनोज थे, ये इस तरह से कुछ मैनोज जुड़े हुए थे, 9 मैनोज, और फिर 9 मैनोज के बाद 3 ग्लूकोज जुड़े हुए थे। ठीक, मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही ये ऑलिगोसैकेराइड प्रोटीन से जुड़ता है इसका क्या शुरू हो जाता है, मॉडिफिकेशन। ईआर में ही इसका मॉडिफिकेशन होता है, और मॉडिफिकेशन के दौरान 3 ग्लूकोज और पॉसिबली 1 मैनोज रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, 3 ग्लूकोज और 1 मैनोज आपका रिमूव हो गया, तो बचा क्या, 2 एन एसिटिल ग्लूकोसामीन बचे और 8 मैनोज इसके पास में बचेंगे, 8 मैनोज इसके पास में बचेंगे। ठीक, 1 मैनोज यहां से रिमूव हो गया है और ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैनोज बना।
मतलब इसके पास में क्या बचेगा, इसके पास में बचेगा मैनोज 8 एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामीन 2। ठीक, इस पोर्शन में ये प्रोटीन कहाँ पहुंचेगी, इस ऑलिगोसैकराइड कॉम्बिनेशन के साथ ये प्रोटीन पहुंचेगी कहाँ पे, गाल्जी बॉडी में, गाल्जी बॉडी में। और गाल्जी बॉडी में इस एन लिंक्ड ऑलिगोसैकराइड का क्या होगा, फर्दर मॉडिफिकेशन होगा, फिर से मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक, और इस मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ मैनोज यहाँ से रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, और कुछ अदर प्रोटीन से, कुछ अदर कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ मैनोज रिमूव किए जाएंगे और कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, पांच शुगर ऐसी होंगी, पांच शुगर यहाँ पे जो ऑलिगोसैकेराइड लगा हुआ है इसमें पांच शुगर रेसिड्यूज ऐसे होंगे जो कंजर्व रहेंगे हमेशा। उन पांच शुगर रेसिड्यूज में ये तीन आपके मैनोज रहेंगे। ठीक है, तीन मैनोज और ये दो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये इतना पोर्शन हमेशा कंजर्व रहेगा, हर एक ग्लाइकोप्रोटीन में ये इतना पोर्शन हमेशा पाया जाएगा एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड। ठीक है, इस सारा खेल जो भी मॉडिफिकेशन होना है गाल्जी बॉडी में, इन पांचों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, बाकी के जो वहां पे मैनोज आए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के साथ जो होना है होगा। ठीक है, सारा खेल इन पांचों के साथ कुछ भी नहीं होगा, पांचों कंजर्व रहेंगे, सारे ग्लाइकोप्रोटीन में रहेंगे। इसके अलावा जो भी शुगर रेसिड्यूज यहाँ पे जुड़े हुए थे, जो भी मैनोज यहाँ पे जुड़े हुए थे, अप्रोक्सीमेट पांच मैनोज यहाँ पे जो जुड़े हुए थे, सारा खेल उन्हीं के साथ होगा, उन्हीं में कुछ मैनोज रिमूव किए जाएंगे, कुछ अदर शुगर्स जोड़ी जाएंगी, यही मॉडिफिकेशन होता है। तो गाल्जी बॉडी में जब फर्दर मॉडिफिकेशन होता है तो दो ब्रॉड क्लासेस के एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड बनते हैं। ठीक है, कहां पे, फर्दर मॉडिफिकेशन, फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स इन गाल्जी गिव्स क्या देती है, टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ, टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ एन लिंक्ड ऑलिगो सैकेराइड्स। ठीक, जब फिर से फर्दर मॉडिफिकेशन होगा तो वहां से दो क्लासेस के ऑलिगोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं हाईली मैनोज कंटेनिंग ऑलिगोसैकेराइड या मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड, क्या, मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड्स जिसमें बहुत सारे मैनोज होंगे, मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड्स, और दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स ऑलिगो सैकेराइड्स। ठीक, मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी शुगर, कोई भी नई शुगर नहीं जोड़ी जाती है, यहाँ पे क्या होता है, नो न्यू शुगर, शुगर एडेड। ठीक, और दूसरा कंटेनिंग, कंटेनिंग मेनी मैनोज, बहुत सारे मैनोज होंगे यहाँ पे। ठीक, मतलब जो मैनोज आया था उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी और ना ही यहाँ पे कोई नई शुगर जोड़ी जाएगी, हो सकता है एक आध मैनोज हटा दिया जाए, बाकी बहुत सारे मैनोज वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह के जो ऑलिगोसैकेराइड्स बनेंगे उनको हम लोग कहते हैं मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड्स या फिर हाईली मैनोज कंटेनिंग ऑलिगोसैकेराइड्स। दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल हटाए भी जाएंगे और जोड़े भी जाएंगे। ठीक, ये कैसे ऑब्टेंड होंगे, बाय द रिमूवल एंड, रिमूवल एंड एडिशन ऑफ न्यू शुगर्स। यहाँ पे रिमूवल भी होगा शुगर्स का और एडिशन भी होगा। ठीक है, इसके पास क्या होगा, कंटेनिंग, कंटेनिंग मोर देन टू ओरिजिनल एन एसिटिल ग्लूकोसामिन, मतलब
जो दो ओरिजिनल एनएस्टिल ग्लूकोसामीन थे जो एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान जुड़े थे, उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे एनएस्टिल ग्लूकोसामीन होंगे। इसके अलावा गैलेक्टोज होगा, ठीक है, सियालिक एसिड होगा, सियालिक एसिड होगा, ठीक है, और सियालिक एसिड के अलावा कहीं कहीं पे फ्यूकोज भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल शुगर्स यहाँ पे जुड़ती हैं, कुछ शुगर्स का रिमूवल होता है और कुछ एडिशनल शुगर्स जुड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने लायक एक बात ये होती है कि प्लांट सिस्टम में सियालिक एसिड एब्सेंट होता है, सियालिक एसिड एब्सेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स के केस में सियालिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ शुगर का एडिशन और कुछ शुगर का यहाँ से रिमूवल होता है, तो कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड्स बन जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको सारी प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोटीन पहुंची कहाँ पे, एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड वहाँ पे ईआर में जुड़े, ईआर में एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, प्रोटीन की फोल्डिंग हुई, और प्रोटीन पहुंची कहाँ पे, गाल्जी बॉडी में। गाल्जी बॉडी में फिर से एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स का फर्दर मॉडिफिकेशन हुआ, और उस मॉडिफिकेशन से दो ब्रॉड क्लासेस के एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड बने वहाँ पे, ठीक। एक मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड था जिसके पास बहुत सारे मैनोज जुड़े हुए थे, उनमें क्या हुआ, उनमें कोई नई शुगर ऐड नहीं की गई, सिर्फ मैनोज ही था, ठीक है, और उनके पास बहुत सारे मैनोज होते हैं इसलिए उनको मैनोज रिच ऑलिगोसैकेराइड कहा गया। दूसरे बने कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसैकेराइड, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ शुगर्स रिमूव की गई खास करके मैनोज, और कुछ नई शुगर ऐड की गई, और वो जो नई शुगर ऐड की गई उसमें मोर देन टू ओरिजिनल लॉन्ग, मतलब दो ओरिजिनल एनएस्टिल ग्लूकोसामीन के अलावा और भी एनएस्टिल ग्लूकोसामीन जोड़े गए, ठीक है, और इसके अलावा गैलेक्टोज जोड़ा गया, सियालिक एसिड जोड़ा गया, और कहीं कहीं पे फ्यूकोज भी जोड़ा गया, ठीक। प्लांट सिस्टम में सियालिक एसिड नहीं पाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स का गाल्जी बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। इस मॉडिफिकेशन के बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जो एडिशनल ग्लाइकोसाइलेशन के लिए जाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, जो कि गाल्जी बॉडी में होता है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान क्या होता है। वैसे मैंने आपको जब मैंने ब्रीफ अकाउंट वाला लेक्चर जब लिया था वहाँ पे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में बताया था, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ चीज़ों को। तो ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है स्पेसिफिक सीरीन और थ्रियोनीन रेजिड्यू पे, ठीक है। कहाँ पे होता है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स एट द हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन और थ्रियोनीन रेजिड्यू रेजिड्यू बाई एन एसेटिल एसेटाइल गैलेक्टोसामीन से ये शुरू होता है, गैलेक्टोसामीन सबसे पहले आकर के जुड़ेगा, ठीक। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान जो ऑलिगोसैकेराइड चेन आकर के जुड़ती है वो जुड़ती है सीरीन और थ्रियोनीन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ठीक है, और वो जो जुड़ती है सबसे पहले शुगर जो जुड़ती है वो एन एस्टिल गैलेक्टोसामीन वहाँ पे जुड़ती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ईसीएम के प्रोटीन की, खास करके कोलेजन की अगर हम लोग बात करें, तो कोलेजन में भी ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। कोलेजन के केस में एक एक्सेप्शन होता है, कोलेजन के केस में जो ओ लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जुड़ते हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ किसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के ग्रुप से जुड़ेंगे, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सी लाइसिन हाइड्रोक्सी लाइसिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ते हैं, और बाय गैलेक्टोज गैलेक्टोज से जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, सीरीन थ्रियोनिन से जुड़ते हैं, ठीक है, एन एस्टिल गैलेक्टोसामीन के थ्रू जुड़ते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कोलेजन की तो ये भी एक सेक्रेटरी प्रोटीन है, ईसीएम की प्रोटीन है, ठीक है। कोलेजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी होता है, लेकिन वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका होगा, हाइड्रोक्सी लाइसिन का होगा, ठीक है, और यहाँ पे गैलेक्टोज के थ्रू जुड़ेगा, ठीक। तो ये एक्सेप्शन है, आप लोग याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाएगा ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी लेंथ की बात करते हैं, तो मैंने कहा था कि एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनमें बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या सिस्टम है, ये क्या है, दीज आर द लीनियर लीनियर चेन ऑफ वन टू फोर शुगर,
एक से चार शुगर के आसपास ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान जुड़ती हैं, कहाँ से? सीरीन थ्रियोनिन के हाइड्रोक्सिल से या फिर हाइड्रोक्सीलाइसिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ती हैं इन द केस ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो इस तरह से ओलिंग ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है? गाल्जी बॉडी में होता है, गाल्जी बॉडी में। ठीक, तो गाल्जी बॉडी में दो मेन फंक्शन यहाँ पे इसने परफॉर्म किए। पहला, तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान जो शुगर रेजिड्यूज वहाँ पे जुड़े थे उनका मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन के बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसी भी होती हैं जिनका फर्दर ऑलिगोसाइक्लिन, जिनका फर्दर ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है। ठीक है, और वो प्रोटीन्स ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू ग्लाइकोसाइलेटेड होती हैं, कहाँ पे? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अब बात करते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में किस तरह से गाल्जी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो सिंथेसाइज होती हैं कहाँ पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फिर उनको भेजा जाता है कहाँ पे? गाल्जी बॉडी में, और फिर फर्दर वो मेम्ब्रेन में चली जाती है। ठीक, यहाँ पे मैं खास करके बात करूंगा सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोमाइलिन्स। ठीक, मैं इन दोनों की यहाँ पे बात करूंगा। इनकी सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? गाल्जी बॉडी। किस तरह से करता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ठीक, गाल्जी बॉडी में मैंने आपको बताया था ग्लाइकोलिपिड्स ऐसी लिपिड्स होती हैं जिनमें शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, और खास करके जो स्फिंगो लिपिड्स होती हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, और हर तरह की जो स्फिंगोलिपिड्स होती हैं उनका पेरेंट मॉलिक्यूल कौन होता है? सेरामाइड। स्फिंगोलिपिड्स का पेरेंट मॉलिक्यूल कौन होता है? पेरेंट मॉलिक्यूल कौन होता है? सेरामाइड। सेरामाइड, और सेरामाइड की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, सेरामाइड की सिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होती है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो प्रोसेस को यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बना? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना आपका सेरामाइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में आपके समझ में आएगा। ठीक, ये सेरामाइड कहाँ चला गया? गाल्जी बॉडी में। गाल्जी बॉडी में चला गया। ठीक, अब इस गाल्जी बॉडी में क्या होगा? इस सेरामाइड का क्या होगा? ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ठीक है, अब इसी सेरामाइड से गाल्जी बॉडी में दो चीजें बन के तैयार होती हैं। ठीक है, यहां पे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ग्लाइको साइलेशन होता है इसका, और ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान बनती हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक, और यहां से बनने के बाद इनकी शॉर्टिंग कहां पे कर दी जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोनो लेयर में। ठीक, कहां पहुंच जाती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर मोनो लेयर में पहुंच जाती। ठीक, उसके बाद यही पे क्या होता है? स्फिंगोमाइलिन भी बन जाता है। स्फिंगोमाइलिन कैसे था? फास्फोकोलीन आकर के इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। तो इस तरह से लिपिड्स की, जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं खासकर, उनकी सिंथेसिस में गाल्जी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक, अब बात करते हैं कि किस तरह से शुगर के मेटाबॉलिज्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में किस तरह से इन्वॉल्व है। मैंने कहा था कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म से मतलब मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल की सिंथेसिस से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में किस तरह से इन्वॉल्व है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, तो यहां पे जिन तरह के कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस होते हैं या तो वो ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, या फिर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑलिगोसैकेराइड जो ये सिंथेसाइज करता है वो किसी ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, या फिर क्या बना लेता है, या फिर क्या बनाएगा इसके अलावा? ये बनाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक, ये ज्यादातर ऑलिगोसैकेराइड्स ये बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है पॉलीसेक्राइड। ये बहुत सारे पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज करता है, जैसे कि
कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉली सैकेराइड्स ऑफ प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल। ठीक, प्लांट के सेल वॉल में कौन से कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स? एक तो हेमी सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज। अब याद रखिएगा आप, हेमी सेलुलोज कहाँ सिंथेसाइज होता है? गाल्गियोवाडिन सिंथेसाइज होता है, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पेक्टिन, पेक्टिन कहाँ सिंथेसाइज होता है? गाल्गी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तीसरा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, एनिमल सेल, एनिमल सेल की ईसीएम प्रोटीन होती है, एनिमल ईसीएम के लिए क्या सिंथेसाइज करता है? ग्लाइकोसा, ग्लाइकोसा मीनो ग्लाइकन्स। ठीक, तो ये इतनी चीजों की सिंथेसिस, और ये सारे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हैं, इतनी चीजों की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है कौन? गाल्जी बॉडी। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, हेमिसेलुलोज के बारे में डिस्कस करेंगे, पैक्टिन के बारे में क्या होते हैं। सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि सिंथेसिस सिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि इस सीरीज में हमें सेल बायोलॉजी में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं गाल्जी बॉडी के बारे में, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि गाल्जी बॉडी में जब प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं, तो वहां पे जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जुड़े हैं उनका मॉडिफिकेशन होता है, मतलब कुछ शुगर्स रिमूव किए जाएंगे। और शुगर रिमूवल का काम कौन करते हैं? ग्लाइकोसाइडेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस ये क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ शुगर। ठीक, एक काम। दूसरा काम मैंने कहा कि कुछ शुगर ऐड की जाती हैं, तो उसका वो काम कौन करेगा? ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेजेस, ट्रांसफरेजेस। ठीक, ग्लाइकोसिल ट्रांस, मतलब ये दो मेन एंजाइम्स यहां पर पाए जाएंगे जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड या एन लिंक्ड जो हमारा ग्लाइकोसाइलेशन हुआ उसके मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए जो भी एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, लिपिड के में ऑलिगोसैकेराइड जोड़ने के लिए जो भी एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो सारे कहाँ पाए जाएंगे? गाल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक, मतलब गाल्जी बॉडी में जितने भी रेजिडेंट प्रोटीन्स होती हैं, जितने भी रेजिडेंट एंजाइम होते हैं, ऑल द एंजाइम्स ऑफ गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी आर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सब की सब मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। गाल्जी बॉडी के ल्यूमेन में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, सब की सब मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर वहीं हम लोग बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में भी एंजाइम्स पाए जा रहे थे, पीडीआई पीपीआई की बात मैंने किया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रेजेंट थे। तो ईआर के जो मेम्ब्रेन एंजाइम्स होते हैं, ईआर ल्यूमेन इज रिच इन रेजिडेंट एंजाइम्स। ठीक, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, और कहाँ पे पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऑलिगोसाइक्लिन ट्रांसफरेज कहाँ पाया जाता है? मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक, तो मेम्ब्रेन में भी एंजाइम्स प्रेजेंट है। लेकिन गाल्जी बॉडी के केस में क्या है? मेम्ब्रेन में तो एंजाइम प्रेजेंट हैं, लेकिन ल्यूमेन में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ल्यूमेन में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, गाल्जी बॉडी के सारे एंजाइम्स उसकी मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ल्यूमेन में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। जबकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में क्या है? वहां पे मेम्ब्रेन में भी एंजाइम है और ल्यूमेन में भी एंजाइम है। ठीक, तो ये दो डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ ही गाल्जी बॉडी का जो पूरा फंक्शन था वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि गाल्जी बॉडी किस तरह से प्रोटीन की ट्रैफिकिंग करता है, किस तरह से उसको इसकी डिस्पैचिंग करता है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस तरह से गाल्जी बॉडी से लाइसोसोम तक प्रोटीन जाती है, सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कैसे जाती है, इसकी बात हम लोग करेंगे वैस्कुलर ट्रैफिकिंग में, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमको साइटोस्केलेटन को समझना होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं साइटोस्केलेटन डिस्कस करूंगा, साइटोस्केलेटन के बाद हम लोग वैस्कुलर ट्रैफिकिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम आपको ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से
लाइसोसोम तक किस तरह से प्रोटीन पहुंचती है इतना आपको बता देंगे। उसके बाद हम लोग प्रोटीन की टारगेटिंग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, पराक्सीसोम और न्यूक्लियस में किस तरह से होती है, मतलब सिग्नल मीडिएटेड सॉर्टिंग कैसी होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग वैस्कुलर ट्रैफिकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।